तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा जन स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर के बारे में। आज की डेट में अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी। कोविड के टाइम में 12 रुपए में मिल रहा था, लेकिन 12 रुपए वाला शेयर 51 रुपए तक आ चुका है, यानी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। मैं जितने बार वीडियो बनाया हूँ आपको बोला था कि ये 50 क्रॉस कर जाएगा। ये देखिए, अभी ये शेयर 100 क्रॉस करेगा, गारंटी है। 2004 में लिस्टिंग हुआ था 28 रुपए करके, और आज देखिए शेयर कहाँ पर है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग चेक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर वाइज डाटा, रेवेन्यू में ग्रोथ है, नेटवर्थ में ग्रोथ है, प्रॉफिट में ग्रोथ है, जो कि अच्छा बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भाई प्रमोटर रखे 86%, जो कि एक अच्छा बात है। और रिटेल इन्वेस्टर 8.5%, डोमेस्टिक वाले 4.5%, फॉरन इन्वेस्टर 0.45, म्यूचुअल फंड 0.45 रखे। कंपनी का अगर मैं आपको फुल डिटेल्स यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का डिटेल्स हम लोग को नजर आ रहा है, आप देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर 92 तक गया था, उसके बाद लो लग गया 19-20, उसके बाद फिर से 77, उसके बाद कोविड के टाइम में गिरावट दिया था 8-9, लेकिन आज देखिए कहाँ पर है। और ये 2004 में लिस्टिंग हुआ था, 2004 में लिस्टिंग हुआ था, ओवरऑल 21% की अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी का। अगर मैं डिटेल्स आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो मार्केट कैप है 35,000 करोड़ का, जो कि अच्छा बात है। पी भी ठीक है, इंडस्ट्री पी भी ठीक है, बुक वैल्यू से ऊपर अभी शेयर मिल रहा है, और आरओई आरओसी ठीक ठाक है। पावर शेयर के पीछे 5 रुपया कंपनी ऑन कर रहा है, और फेस वैल्यू भी ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी 0 नजर आ रहा है। यानी कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो और कंपनी 100 रुपीज तक जा पाएगा भविष्य में। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।